एक कवि कविता लिखने लगे, ब्रह्मा जी की गलतियां निकालने लगे कि ब्रह्मा जी ने सब गलत किया है, रत्नाकर को खार कर है? समुद्र में इतना पानी है लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको खारा कर दिया, किसी काम का नहीं, देखो ब्रह्मा जी की गलती, नोट कर लिया। सब गलती पे गलती नोट कर रहे थे, वैश्याओं को रूप दे दिया वो भी नोट कर लिया, कहां पर कांटे दे दिए कहां पर, सब नोट कर लिया। ब्रह्मा जी की गलती निकाल रहे थे ये कवि, कविता लिख रहे थे। कुछ दूर जा रहे थे, एक खेत पड़ा, वहां कद्दू, कद्दू समझते हो क्या कहते हैं कद्दू? हाँ क्या, घिया कद्दू, हाँ अब यहाँ की जो भाषा हो, कहीं कहीं कोहड़ा भी कहते हैं, ब्राह्मणों का प्रिय भोजन, हाँ हाँ काशी फल। तो वो उसका खेत पड़ा, तो कवि महोदय ने जब काशी फल को देखा तो जोर से हंसे, कहा अरे ये ब्रह्मा जी की गलती देखो, क्या गलती कर दी इन्होंने, इतना बड़ा फल और इतना कमजोर तने में लगा रखा है, नोट कर लिया। फिर आगे बढ़ा तो आम का पेड़ था, थक गया था कवि, कविता बंद करके बगल में रख दिया, थोड़ा सा लेटा, हवा चली, नींद आ गई। तब तक थोड़ी देर बाद जब कवि की नींद खुली तो ऊपर नजर गई तो देखा आम, आम फरे हुए थे। फिर कवि हंसा, पुस्तक निकाली, ये भी गलती नोट कर ली कि ये देखो ब्रह्मा जी की गलती, इतने पतले तने में इतना बड़ा फल और इतने बड़े वृक्ष में 50-100 ग्राम का फल, सब उल्टा कर दिए हैं ब्रह्मा जी। लिखा, सोया, फिर नींद आ गई, सो गया। तब तक एक तोता आया, उसने मिठू मिठू आम खाया थोड़ा सा और बाकी काट दिया, काट दिया तो वो 150 ग्राम का आम उतने ऊंचाई से गिरा कवि के नाक पर, नाक फूट गया, लहूलुहान नाक से खून निकलने लगा। जैसे कवि उठा, सारी कविता फाड़ के फेंक दिया और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि ब्रह्मा जी आपने जो किया है एकदम सही किया है, अगर वो 2 किलो वाला काशी फल अगर यहाँ लगाए होते तो आज तो मेरा गोविंदाय नमो नमो हो जाता महाराज। तो भगवान जो किए हैं उन पर दोष मत लगाना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, सो परत्र दुख पावहीं सिर धोनि धोनि पछताएं। भगवान कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तुम अपना कर्म सुधारो और आगे बढ़ो।